तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंजल वन डीमैट अकाउंट के न्यू रेफरल अपडेट के बारे में। अभी के टाइम में किस तरह से आप एंजल वन पे फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट इस एप्लीकेशन को रेफर करके डेली के 500 रुपीज से लेकर 1000 रुपीज अर्न कर सकते हो। उसके अलावा आप इस प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करके किस तरह से अर्न कर सकते हो और मैंने कितनी इनकम जनरेट करी है, सारी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और अब के लिए हम बात कर लेते हैं एंजल वन डीमैट अकाउंट के बारे में। तो यहाँ पर डीमैट अकाउंट को रेफर करके पैसा कमाने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसमें मेन आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके नेम पे बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने फैमिली में किसी का यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों डॉक्यूमेंट सेम पर्सन का होना चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आपको सिंपली करना क्या होगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, एंजल वन पे डायरेक्ट फ्री में अकाउंट ओपन करने का लिंक देखने को मिल जाएगा। जैसा आप लिंक पे क्लिक करेंगे प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर बस आपको देखने को मिल जाएगा एंजल वन स्टॉक म्यूचुअल फंड आईपीओ एप्लीकेशन। आपको सिंपली करना क्या होगा, इस एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल करना होगा। जैसे एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल हो जाए आपको सिंपली करना क्या होगा, ओपन करना होगा। यहाँ पर आपको परमिशन को अलाउ करना होगा। परमिशन को अलाउ करने के बाद से यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, ओटीपी वेरीफाई करना होगा। नेक्स्ट पेज पर आपको अपना नेम एंटर करना होगा। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी होगी। देन आपको अपना पैन कार्ड डिटेल एंटर करना होगा। पैन कार्ड डिटेल एंटर करने के बाद से आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पर ऑथेंटिकेट आधार पर क्लिक करेंगे, अपना आधार नंबर एंटर करके केवाईसी कंप्लीट करेंगे। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद से यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट को लिंक करने का ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे फोनपे यूपीआई एप्लीकेशन सेलेक्ट करके अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे मैनुअली पे क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट को मैनुअली भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल एंटर करके सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। बैंक डिटेल वेरीफाई करने के बाद से नेक्स्ट पेज पर आपको अपनी सेल्फी क्लिक करनी होगी। उसके लिए आपको ओपन कैमरा पर क्लिक करना होगा, परमिशन को अलाउ करके सेल्फी क्लिक कर लेनी होगी। सेल्फी क्लिक करने के बाद से नेक्स्ट पेज पर आपको अपना सिग्नेचर ड्रॉ करना होगा। तो आप अपने फिंगर का यूज़ करके कुछ इस तरह से डिजिटल सिग्नेचर ड्रॉ कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर ड्रॉ करने के बाद से अगेन आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। अगेन आपको यहाँ पे एफएनओ सेगमेंट को वेरीफाई करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए बैंक अकाउंट को लिंक करने का ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज हमें प्रोसीड पे क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट को एफएनओ के लिए भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इस केस में आपके मोबाइल नंबर पर अगेन एक ओटीपी आएगा जो कि आपके बैंक से लिंक होगा। उस ओटीपी को आपको वेरीफाई करना होगा, लिंक एंड प्रोवाइड कंसेंट पे क्लिक करना होगा। अगेन ओटीपी आएगा, उसे वेरीफाई करना होगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद से अब आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल एंटर करनी होगी, जैसे कि आपकी एनुअल इनकम क्या है। एनुअल इनकम की रेंज सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा चूज सेगमेंट का। तो आप यहाँ पे ऑल सेगमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सारे सेगमेंट देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में, करेंसी में, कमोडिटी में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑल ऑप्शन को चेक करके रखेंगे। अदरवाइज यहाँ पे नीचे के जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं आप इसे अनचेक करेंगे, डन पे क्लिक करेंगे। डन पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आपको अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद से आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना होगा, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको अपना फादर्स नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस ये सेलेक्ट करके अगेन आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। देन आपको नॉमिनी को ऐड करने का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पर नॉमिनी को ऐड भी कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद से आपको प्रोसीड टू ईसेंड पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर को एंटर करना होगा, सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करते ही जो आपका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बेसिक स्टेप कंप्लीट करके अपने डीमैट अकाउंट को इजीली ओपन कर सकते हो। अगर आपने स्टिल अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद से जैसे आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है आपको एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद से यहाँ पर आपको अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना होगा। अकाउंट को लॉगिन करने के बाद से कुछ इस तरह से एप्लीकेशन का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। होम पेज पे आपको देखने को मिल जाएगा टुडे मार्केट की डिटेल, जहाँ पे आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी ये सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी। उसके नीचे आपको ग्लोबल मार्केट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन आपको होम स्क्रीन पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, एफएनओ में ट्रेड कर सकते हो, म्यूचुअल फंड पे क्लिक करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, एसआईपी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। और अब चलिए हम बात कर लेते हैं किस तरह से आप इस प्लेटफॉर्म पर रेफर करके पैसा कमाओगे, किस तरह से आपकी अर्निंग होने वाली है। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर आपको होम पेज पर ही स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने मिल जाएगा। फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है ऑफर एंड रिवॉर्ड्स का, सेकंड ऑप्शन है पर रेफर एंड अर्न का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑफर एंड रिवॉर्ड्स के बारे में। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 500 रुपीज़ का ब्रोकरेज कैशबैक मिल जाता है रेफरल से अकाउंट क्रिएट करने पे। यानी कि आपको 500 रुपीज़ ब्रोकरेज में ऑफ हो जाएगा जब भी आप यहाँ पर ट्रेड करोगे, इन्वेस्ट करोगे। तो ये बेनिफिट आपको रेफरल कोड अप्लाई करके या रेफरल से अकाउंट ओपन करके ले लेना है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं अदर बेनिफिट के बारे में। तो अदर बेनिफिट जो भी आपको मिल रहे होंगे इस एप्लीकेशन की ओर से वो आपको मिल जाएगा। और सेम पेज पे आपको यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा रेफर एंड अर्न का। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगा कि अभी के टाइम में आप इस प्लेटफॉर्म को रेफर करके
हर एक रेफरल से 500 रुपीस अर्न कर सकते हो। और नीचे आपको शेयर करने का रेफर करने का ऑप्शन मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पर व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो। और उसके नीचे आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने मिल जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है पे रेफरल रिवॉर्ड का और सेकंड ऑप्शन है पे पेंडिंग रेफरल का। तो यहाँ पर आपको रेफरल रिवॉर्ड में जो भी आपने रेफर करके अर्निंग करी होगी उसका अमाउंट देखने मिल जाएगा। पेंडिंग रेफरल में वो आपको ऑप्शन देखने मिल जाएंगे जिन्हें आपने रेफर किया होगा, उन्होंने अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया होगा, उनकी डिटेल मिल जाएगी। और बात करें रेफरल टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में, तो अगर आप हमें नीचे रेफरल टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा कि अभी के टाइम में अगर आप इस डीमैट अकाउंट को रेफर करते हो तो सामने वाले पर्सन को विद इन 30 डेज अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना होगा। जैसे वो प्रोसेस स्टार्ट करता है तभी आपको यहाँ पर 500 रुपीज़ का बेनिफिट मिलने वाला है। और यहाँ पर आप एक महीने में यानी कि 30 डेज में ओनली 10 रेफर कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि आप इस एप्लीकेशन से महीने के मैक्सिमम 5000 रुपीज़ अर्निंग जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग 5000 जो अर्निंग है सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको एक और एक्स्ट्रा डीमैट अकाउंट के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पर अगेन आपकी 500 रुपीज़ करके एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है, तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हो। तो इस डीमैट अकाउंट का नाम है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल पर रिसेंटली यहाँ पर रेफरल प्रोग्राम को चेंज किया गया, अपडेट किया गया है, और नए रेफरल अपडेट के अकॉर्डिंग अभी के टाइम में आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि यहाँ पर भी आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और रेफर करने पर यहाँ पर भी आपको 500 रुपीज़ देखने मिल जाएगा। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, डायरेक्ट अकाउंट ओपन करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, मोतीलाल ओसवाल पे अकाउंट ओपन करने का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे अगेन आप प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट जाएंगे, यहाँ से मोतीलाल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी आपको देखने मिल जाता है, मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग स्टेप दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल है आपको सिंपली ओपन पे क्लिक करना होगा, ओपन पे क्लिक करने के बाद से परमिशन को अलाउ करना होगा। यहाँ पे आपको नीचे दो ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पे ओपन अप फ्री डीमैट अकाउंट पे क्लिक करना होगा, अगेन आपको परमिशन को अलाउ कर देना होगा। परमिशन को अलाउ करने के बाद से यहाँ पे भी आपको सेम ऑलमोस्ट डिटेल एंटर करनी होगी, जैसे कि आपको अपना फुल नेम एंटर करना होगा, आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। रेफरल कोड यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर देंगे। डायरेक्ट यहाँ पर लिंक जो हमने दिया है उससे आपका रेफरल कोड ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें फिल करके आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करना होगा, देन आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, यहाँ पर आपको OTP वेरीफाई करना होगा। OTP वेरीफाई करने के बाद से यहाँ पर भी आपको अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी होगी, पैन कार्ड डिटेल एंटर करना होगा, प्रोसीड पे क्लिक करना होगा, पैन कार्ड वेरीफाई करना होगा, देन आपको नेक्स्ट स्टेप पे आपको अपनी बैंक डिटेल एंटर करनी होगी, बैंक डिटेल को वेरीफाई करना होगा। उसके बाद से यहाँ पे भी आपको अपनी बेसिक डिटेल एंटर करनी होगी, जैसे कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका इनकम क्या है, बिजनेस क्या है, सारी चीज़ें सेलेक्ट करेंगे, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस सेलेक्ट करेंगे, आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है कि नहीं तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे, नॉमिनी को ऐड करने का ऑप्शन आएगा इसे स्किप करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, फंड ऐड करने का ऑप्शन आएगा इसे भी आप स्किप करेंगे। उसके बाद से आपको अपना सिग्नेचर को ड्रॉ करना होगा, उसके लिए आप सिंपली यहाँ पर ड्रॉ सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे, सिग्नेचर को डिजिटली यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे। सिग्नेचर को ड्रॉ करने के बाद से यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा, तो अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक है तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नो सेलेक्ट करके अपने आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। देन आपको अपनी सेल्फी क्लिक करनी होगी, सेल्फी क्लिक करने के बाद से लास्ट में एक ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा ट्रेड इन FNO का, तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगेन अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना है तो आप इस ऑप्शन में बैंक स्टेटमेंट ITR सैलरी स्लिप जैसे डॉक्यूमेंट को अपलोड करके इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे भी आपको आधार साइन करने का ऑप्शन आएगा, आधार साइन कंप्लीट करने का प्रोसेस यहाँ पे भी सेम आपको देखने को मिल जाएगा, आधार नंबर एंटर करना होगा, बॉक्स को चेक करना होगा, आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, OTP वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे भी जो अकाउंट है ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा लॉगिन टू ऐप का ऑप्शन, रेफर एंड अर्न का ऑप्शन, आपको सिंपली लॉगिन टू ऐप पे क्लिक करना होगा। लॉगिन टू ऐप पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको अपने अकाउंट को लॉगिन करना होगा, उसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, एक पासवर्ड एंटर करना होगा, पासवर्ड नहीं पता है तो आप यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपने पासवर्ड को वेरीफाई कर सकते हैं। तो पासवर्ड वेरीफाई करने के बाद से अकाउंट लॉगिन करने के बाद से एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको देखने मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको पोर्टफोलियो ट्रेड वॉचलिस्ट सारी चीज़ें देखने मिल जाएगी। बात करें किस तरह से आप इस प्लेटफॉर्म को रेफर करके अर्निंग करोगे, तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर टॉप में थ्रीलाइन पे क्लिक करना होगा, थ्रीलाइन पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको फंड ट्रांसफर पे क्लिक करके पैसे को ऐड करने का विड्रॉ करने का ऑप्शन आ जाता है, और उसके नीचे का ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा रेफर एंड अर्न का। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे गाइज, यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा अभी के टाइम में आप इस प्लेटफॉर्म को रेफर करके हर एक रेफरल से 500 रुपीज़ ईजिली अर्न कर सकते हो। नीचे आपको यहाँ पर रेफर करने का शेयर करने का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, और यहीं पर राइट साइड में एक ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा योर रेफरल का, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा कितने लोगों को रेफर किया है, किससे आपकी अर्निंग हुई है, कितना अर्निंग पेंडिंग में है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको देखने मिल जाएगी। और बैक आओगे सेम पेज पे स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो इनका भी टर्म्स एंड कंडीशन देखने मिल जाएगा रेफरल के रिगार्डिंग, जिसे आप रीड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अभी के टाइम में इन दोनों डीमैट अकाउंट का यूज़ करके रेफर करके महीने के 1000 रुपये इजिली अर्न कर सकते हो, और उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट के अंदर इजिली ट्रांसफर कर सकते हो। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे।
इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कोई डाउट है, तब कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम मिलते हैं कैसे वीडियो साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।